हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो बेटा, जो हम ऑलरेडी सरफेस केमिस्ट्री के पांच वीडियो जो हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं और मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट हमने उसमें से प्रिपेयर कर लिया है। अब हम जो है हमारा नेक्स्ट जो है हम सिक्स्थ वीडियो पे आए हैं और इस सिक्स्थ वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, जो है कैटलिस्ट, इट्स टाइप्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कैटलिस्ट क्या है, कितने टाइप्स के हैं और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको ढंग से समझना है और इसको ढंग से अपनी नोटबुक में भी आप नोट्स इसके जरूर लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के हमारे सिक्स्थ वीडियो पर, जिसमें हमने पढ़ना है कैटलिस्ट, इट्स टाइप्स और उनका मैकेनिज्म। तो सबसे पहली बात, कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट बेसिकली जो होते हैं वो मटेरियल है जो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। खुद कुछ भी उनके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, और कैटालाइसिस क्या होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा हो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटालाइसिस। ठीक है, कैटालाइसिस द केमिकल रिएक्शन ब्रॉट बाय कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या है, एक मेटीरियल है या सब्सटेंस है जो क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज। उसके अंदर खुद कोई चेंज नहीं होता, जैसा वो शुरू में है वैसा ही वो लास्ट में एज इट इज वापस मिलेगा। अब जो दो क्लासेस हैं मेनली कैटलिस्ट की, बहुत सारे टाइप्स होते हैं वैसे, पर मेन हम उनको जो डिफाइन करते हैं वो दो में करते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, जो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अब कुछ ऐसे भी हैं जो डिक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, तो वो क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स भी हम साथ साथ में पढ़ेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन से हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट कौन से हैं। तो सबसे पहले कैटलिस्ट क्या है, वो मटेरियल या सब्सटेंस है जो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल, या अपने अंदर उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता। और कैटालाइसिस क्या है, जिस भी किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज हो रहा हो दैट इज कॉल्ड, दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालाइसिस। अब देखो यहां पे KCLO3 है। ठीक है, KCLO3 है, तो KCLO3 पे अगर हम उसका MnO2 यहां पे डाल दें कैटलिस्ट के रूप में, तो ये डिसोशिएट हो जाता है KCl में और O2 में। तो यहां पे MnO2 जो है पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। अगर ये कैटलिस्ट नहीं होगा तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो अल्टर करता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन का विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। और जो ये फिनोमिना है या जिस केमिकल रिएक्शन में हम कैटलिस्ट को यूज कर रहे हैं, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड कैटालाइसिस। अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैटलिस्ट की, सबसे पहली बात, कैटलिस्ट जो होता है अनचेंज रहता है, चाहे उसका मास हो चाहे उसका केमिकल कंपोजिशन हो, एंड ऑफ रिएक्शन, तो यानी जैसा पहले था वैसा का वैसा कैटलिस्ट लास्ट में भी मिले हो। एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या है, सिर्फ एक तरह से रिएक्शन को स्पीड अप करना। ठीक है, तीसरी चीज है, कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी इनिशिएट नहीं करता रिएक्शन को, वो क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ दे देता है। उसको भी हम पढ़ेंगे कि कैसे वो एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड को भी उतना इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड को भी इंक्रीज उतना ही करेगा। तो इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाए। कैटलिस्ट जो होता है जनरली स्पेसिफिक होता है अपने एक्शन में। किसी केमिकल रिएक्शन में, जैसे अपने पीछे पढ़ा है KCLO3 में हमने MnO2 यूज किया है, तो उसकी जगह कोई और यूज नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर रिएक्शन में एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही यूज होगा। तो ये कुछ उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कैटलिस्ट। अब देखो, जो मैं बात कर रहा था कि वो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, वो क्या करते हैं, अल्टरनेट पाथ देते हैं। जैसे मान लो कोई कैटलिस्ट है, कोई रिएक्शन है, वो यहां पर जाके स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे जाकर स्टार्ट होता है, यानी उसको उतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब जितनी उसको एनर्जी चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पे कैटलिस्ट जब हम यूज कर देंगे तो वो क्या करेगा, ये जो एनर्जी थी एक्टिवेशन एनर्जी को, उसको उसने क्या कर दिया, लोअर डाउन कर दिया। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, जितनी उसको एनर्जी रिएक्शन के लिए चाहिए था अब कम चाहिए, तो रिएक्शन इजिली फिजिबल हो जाएगा।
तो वो एक अल्टरनेट पाथ देता है, वो उसने क्या करा उसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एक दूसरा पाथ दे दिया, इस पाथ से रिएक्शन हो जाएगा वो इजिली हो जाएगा। नाउ जब कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करता है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिविस्ट कैटलिस्ट या इनहिबिटर, जिसे इनहिबिट कर दिया, क्या कर दिया, स्लो डाउन कर दिया रिएक्शन को। जैसे क्लोरोफॉर्म है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, अगर क्लोरोफॉर्म जो होता है वो बहुत जल्दी अगर उसको खुला छोड़ दे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो चेंज हो जाता है फ्लोरीन गैस में, जो एक बहुत पॉइजनस गैस है, या कार्बोनाइल क्लोराइड में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इसके अंदर इथेनॉल मिला देते हैं। तो इथेनॉल जब डाल देंगे तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका जनरली पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म की जो बोतल होती है उसके अंदर एल्कोहल क्यों मिलाया जाता है, तो वो इसीलिए मिलाया जाता है कि एल्कोहल जो है यहां पे एक नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होने से रोकेगा, जिससे कि वो पॉइजनस गैस के रूप में कन्वर्ट ना हो। नाउ कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर हमें बाहर से कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर से जो प्रोडक्ट बना है वो खुद ही एक कैटलिस्ट के रूप में काम करने लग जाता है। तो रिएक्शन स्टार्टिंग में तो स्लो होता है लेकिन अपने आप फास्ट होने लग जाता है, तो वो क्यों होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है इट एक्ट एज ए ऑटो कैटलिस्ट, वो खुद ही कैटलिस्ट के रूप में एक्ट कर जाता है। जैसे मान लो ये ईस्टर का फॉर्मूला है, ईस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ईस्टर को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है और एल्कोहल बनता है। तो ये जो सॉरी इथेनॉइक एसिड बनती है और एल्कोहल बनता है, तो ये जो इसमें इथेनॉइक एसिड बनी है या जो इसमें एसिटिक एसिड बनी है, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, वो खुद भी कैटलिस्ट के रूप में काम करने लग जाती है। तो जो हाइड्रोलाइसिस है ईस्टर का स्टार्टिंग में स्लो होता है लेकिन बाद में खुद ही फास्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पे जो आपकी इथेनॉइक एसिड है या जो एसिटिक एसिड है इट एक्ट एज ए सेल्फ कैटलिस्ट या ऑटो कैटलिस्ट, वो खुद ही कैटलिस्ट के रूप में काम करने लग जाती है, इसीलिए ये रिएक्शन शुरू में स्लो होता है और बाद में फास्ट हो जाता है। तो ये रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम हाइड्रोलाइसिस का ईस्टर का करते हैं तो स्टार्टिंग में स्लो होता है फिर अपने आप फास्ट क्यों हो जाता है, तो अपने आप फास्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर इथेनॉइक एसिड बनती है जो खुद ही ऑटो कैटलिस्ट के रूप में काम करती है, तो वो फिर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। जैसे ही ये बनी नहीं है जब तक तो स्लो होगा, जैसे ये बनना स्टार्ट होगी एक एक्ट एज ए ऑटो कैटलिस्ट। ना उसके बाद कुछ होते हैं प्रमोटर्स और कुछ होते हैं पॉइजन। प्रमोटर क्या है, प्रमोटर क्या काम करते हैं, प्रमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो देखो जैसे ये हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस में क्या करते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं, तो यहां पे आयरन कैटलिस्ट है, लेकिन अगर इसमें मॉलिब्डेनम डाल दें तो मॉलिब्डेनम क्या करता है, इस आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, यानी आयरन की जो उसकी कैटलिस्ट के एक्ट करने की पावर है उसको इंक्रीज कर रहा है। तो ये मॉलिब्डेनम यहां पे एक्ट कर रहा है एज ए प्रमोटर। तो प्रमोटर क्या है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करे, और पॉइजन इसका उल्टा है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करे, यानी कैटलिस्ट को अपने काम करने से रोक दे, वो क्या है, पॉइजन। तो उसका भी हम एग्जांपल पढ़ते हैं। पॉइजन में आपका जो है, इसमें मैं भूल गया डालना, पॉइजन कैटलिस्ट के अंदर हम जो H2S है उसका जब हम वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो आर्सेनियम सल्फाइड जो है वो एक्ट करता है एज ए पॉइजनस कैटलिस्ट, ठीक है। वो आगे मैंने शायद दिया होगा एग्जांपल जहां पे रह गया वो, पर कोई बात नहीं। प्रमोटर क्या है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाए, और पॉइजनस कैटलिस्ट पॉइजन्स क्या है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करे। एग्जांपल हम उसके आगे भी पढ़ेंगे। अब आते हैं कैटलिस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होमोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं, एक हेटरोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। या जो कैटलाइसिस है उसको हम होमोजीनियस और हेटरोजीनियस कैटलाइसिस में डिवाइड करते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, तो सेम क्या, जो हमारे रिएक्टेंट है, जो हमारे प्रोडक्ट है, जो हमारा कैटलिस्ट है, अगर उन सबकी सेम फेज है, फेज क्या होती है, सॉलिड या लिक्विड या गैस, तो अगर उनकी फेज सेम है, जैसे इसके अंदर ऑक्सीडेशन जब हम सल्फर डाइऑक्साइड का कर रहे हैं और वो SO3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो NO1 ने कैटलिस्ट लिया है, SO2 भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, यानी दोनों रिएक्टेंट गैस हो गए, आपका प्रोडक्ट बना SO3 वो भी गैस है, और जो हमने यहां पे कैटलिस्ट लिया NO वो भी एक गैस है, तो तीनों चारों की जो रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की और कैटलिस्ट की स्टेट एक ही है या फेज एक ही है, तो वो क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस कैटालाइसिस। इसी तरह से आपने मिथाइल एसिटेट है उसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो HCl की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है,
ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। एक्वस का मतलब ये होता है पानी में कोई चीज मिली हुई है, ठीक है। तो ये सारे जो है एक ही फेज में है, लिक्विड फेज में। तो ये भी क्या है, होमोजीनियस कैटालिसिस। इसी तरह से शुगर का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो शुगर जो होती है वाटर हो गया आपका H2SO4 हो गया, ठीक है। शुगर आपकी एक्वस हो गई, वाटर आपका एक्वस हो गया, ग्लूकोज आपका बना वो भी एक्वस है, जो आपका फ्रुक्टोज बना वो भी एक्वस है, जो आपने यहाँ पे H2SO4 कैटलिस्ट लिया वो भी एक्वस है, एक्वस है या लिक्विड है। तो वो सबकी फेज एक ही है, तो वो आपका क्या होगा, होमोजीनियस। इनमें से तीनों में से रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और आपका कैटलिस्ट, तीनों की फेज सेम होनी चाहिए। अगर तीनों में से एक की फेज भी अलग है तो वो आपका हेटरोजीनियस कहलाएगा। अब आते हैं हेटरोजीनियस में। जब SO2 जो है, अगर हम उसको प्लेटिनियम वायर डाल दें, उसका ऑक्सीडेशन करवाएं, तो SO3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। पीछे भी हमने पढ़ा हुआ NO लिया था हमने, तो NO तो आपका क्या था, होमोजीनियस। लेकिन यहाँ पे प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम एक मेटल है, सॉलिड स्टेट में होती है, तो वो कैटलिस्ट आपका सॉलिड हो गया, तो ये क्या हो गया, हेटरोजीनियस। इसी तरह से जब हाइब्रिड प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, तो वहां पे आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो वो भी क्या हो गया, हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट। अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया, प्लेटिनियम के प्रेजेंस में NO बना, वाटर बना, लेकिन प्लेटिनियम कैटलिस्ट सॉलिड है, तो ये भी आपका हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट हो गया। हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं वेजिटेबल ऑयल का निकल की प्रेजेंस में, तो वेजिटेबल ऑयल लिक्विड है, हाइड्रोजन एक गैस है, घी बन रहा है वो सॉलिड है, निकल जो है वो सॉलिड है, तो इसमें रिएक्टेंट जो है वो अलग फेज में है, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, आपका हेटरोजीनियस। नाउ जो हेटरोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं उसके अंदर एक थ्योरी क्या है या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो उसकी थ्योरी ये कहती है कि जो उसके अंदर रिएक्टेंट होते हैं वो या तो गैसीय स्टेट में होते हैं या सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, वो कैटलिस्ट जो होता है सॉलिड उसके सर्फेस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे इंक्रीज हो जाती है, और वहां पे जब रिएक्टेंट इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे सरफेस एरिया पे इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। और ये जो एडजॉर्प्शन हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इससे हीट निकली, और हीट क्या करेगी, उन मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करने में मदद करेगी, ठीक है। तो ये हमारी एडजॉर्प्शन थ्योरी है हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस। अब मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म में ये कहता है कि सबसे पहले डिफ्यूजन होगा रिएक्टेंट का कैटलिस्ट के सरफेस पे, जो भी हमारे रिएक्टेंट है कैटलिस्ट के सरफेस में जाके अटैच हो जाएंगे, उसके बाद उनका एडजॉर्प्शन हो जाएगा, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर उनके सरफेस पे उनका केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो एक इंटरमीडिएट स्टेज बना देंगे, यानी बीच की स्टेज बना देंगे। जब उनकी बीच की स्टेज बन गई, यानी प्रोडक्ट बन गया, फिर डिजॉर्प्शन हो जाएगा, यानी उसके सरफेस से वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, डिजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का उल्टा हो गया और डिजॉर्प्शन, और उसके बाद डिफ्यूजन, कि वहां से वो बिल्कुल दूर चले जाएंगे, डिफ्यूज होते हैं, अलग हो जाएंगे। तो वो प्रोडक्ट का डिफ्यूजन हुआ है, यहां पे रिएक्टेंट का डिफ्यूजन हुआ था सरफेस पे, और यहां से अब जो प्रोडक्ट बना है वो कैटलिस्ट के सरफेस से डिफ्यूज कर रहे हैं, यानी बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइव स्टेप जो होते हैं वो हमारे डिफ्यूजन जो हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट है उसके मैकेनिज्म के ये फाइव स्टेप्स हैं। पहला डिफ्यूजन, दूसरा एडजॉर्प्शन, तीसरा उनके बीच में केमिकल रिएक्शन, चौथा डिजॉर्प्शन, और पांचवा फिर डिफ्यूजन सरफेस से बाहर। तो देखो जैसे ये हमारा कैटलिस्ट है, इसके ऊपर फ्री वैलेंसीज होती है, और वहां पे ये रिएक्टेंट ए और बी जाके क्या हो गए, पहले तो डिफ्यूजन हुआ, फिर ये एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद इनके बीच में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन से इनने क्या करे, प्रोडक्ट बना दिए, अब प्रोडक्ट से फिर क्या हो गया, डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन से कैटलिस्ट अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया, ये प्रोसेस हो गई आपकी डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये पांच स्टेप के अंदर हमारी प्रोसेस हो गया। अगर इसका मैकेनिज्म आता है, स्टेप्स भी लिखने हैं, और डायग्रामेटिकली आपने ये उसको एक्सप्लेन भी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जो हमारे कैटलिस्ट है उनके अंदर एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन द एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी जो है वो है उनकी क्षमता की रिएक्शन को इंक्रीज करना, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने की जो क्षमता है वो कहलाती है एक्टिविटी। अब जो हमने जैसे ग्रुप पढ़े हैं तो उसके अंदर हमने पढ़ा था 5 से 11 ग्रुप जो है वो कैटलिस्ट के रूप में एक्ट करते हैं, लेकिन उसमें से 7 to 9 ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं,
ठीक है, तो ये इनकी एक्टिविटी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट की, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब कौन कितना ज्यादा एक्टिव है, कौन कितना ज्यादा इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो उसकी एक्टिविटी कहलाती है। दूसरा जो है वो है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी में क्या है, इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा जब हम लाइव क्लास में जाएंगे, कि जैसे मान लो आपने हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन किया, तो कभी कभी मिथेनॉल बनाएंगे, कभी मिथेनॉल बनाएंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि आपने कैटलिस्ट कौन सा लिया। तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो हाईली सेलेक्टिव होते हैं इन देयर एक्शन, कि अगर रिएक्टेंट अगर आपके सेम है और आपने कैटलिस्ट अलग अलग ले लिया तो आपका प्रोडक्ट भी अलग बनेगा। यानी कैटलिस्ट सेलेक्टिव है कि वो क्या प्रोडक्ट बना के देंगे चाहे आपके रिएक्टेंट सेम है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और एग्जांपल भी आपका यही है, H2O और CO को जब आप रिएक्ट करवाते हो तो कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपने मॉलिब्डेनियम लिया तो कुछ और बनेगा, ठीक है, HCHO भी बनता है, अल्कोहल भी बनता है और एसिड भी बनती है। वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि आपने कौन सा कैटलिस्ट यूज किया, तो ये उसकी सेलेक्टिविटी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिटवीन इन द एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो सेलेक्टिविटी में मैं आपको जो एग्जाम्पल बताऊंगा वो एग्जाम्पल जरूर लिखना है, और वो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ही है। एक बार आपका अल्कोहल बनेगा, एक बार एल्डिहाइड बनेगा और एक बार एसिड बनेगा, तो वो एग्जाम्पल आपको लिखना जरूरी है। वो बिल्कुल क्लियर कर देता है कि सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है, कि अगर आपके रिएक्टेंट सेम है, अगर आपने कैटलिस्ट चेंज कर दिया तो आपका प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेगा चाहे रिएक्टेंट सेम हो, तो वो क्या होगी, उसकी सेलेक्टिविटी होगी इसकी कैटलिस्ट की। ये कैटलिस्ट जो है हाईली सेलेक्टिव है रिएक्शन में, कि वो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे वो डिपेंड करेगा किस पे, जो आपने कैटलिस्ट लिया है। ठीक है, तो आज हमने जो है बेसिकली कैटलिस्ट जो है उनके इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी है, और उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें हैं वो सारी आपको क्लियर हो गए होंगी। कैटलिस्ट, उनके मैकेनिज्म, टाइप ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, व्हाट डू मीन बाय एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो इसको आप जितनी बार भी चाहो उतनी बार देख सकते हो। एक एक पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया है, कहीं पर भी बताया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट को नोट डाउन करना कॉपी के अंदर और उनको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वही चीजें आपकी जनरली एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपको होमोजीनियस कैटालाइसिस, हाइड्रोजीनियस कैटालाइसिस के एग्जाम्पल दो जरूर याद करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जो भी हमारा बाकी का मटेरियल रह गया है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर उसको हम करेंगे। तब तक अपनी पढ़ाई ढंग से करते रहिए, और जो भी आपको काम दिया जाता है उसको काम करके भेजते रहिए। थैंक यू।